Chapter 10, Gravitation. What is the means of gravitation? Gravitation, Gurukavarshan, Bash. Gravitation can develop an equation of motion under gravity. Three equations of motion under gravity. Number one, V parabar, V equal, U plus GT. S equal, UT plus हाफ जी टी का स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन 2GS बराबर इक्वल V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री V इक्वल V फाइनल वेलोसिटी U इनिशियल वेलोसिटी प्लस G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन T बराबर टाइम S डिस्टेंस हम यहाँ S की जगह H भी ले सकते हैं ना S S बराबर S की जगह हम क्या ले सकते हैं H H I G H T यानी कि S बराबर अगर ग्रेविटेशन में अंदर ग्रेविटेशन में कोई वस्तु की अगर हाइट या डिस्टेंस देखनी है तो उसको अपन हाइट भी ले सकते हैं तो ये H बराबर या S बराबर U T प्लस हाफ G T का स्क्वायर 2 G S या H लिख सकते हैं अपन ना 2 G S V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर यहाँ देखिए V बराबर फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यू इनिशियल वेलोसिटी जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड का मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर एस एस बराबर डिस्टेंस है या एच है इसको हाइट भी कह सकते हैं अगर ऊपर से अंडर ग्रेविटेशन पर वस्तु गिर रही है डिस्टेंस या हाइट हाइट या डिस्टेंस टी यहाँ क्या है टी टाइम इफ एनी ऑब्जेक्ट इज अंडर द मोशन इन ग्रेविटी फ्रॉम अप टू द डाउन If any object from up to down, direction of gravity, then G is in plus. G is in plus. G plus में होगा. And any object moving, when an object is moved up to down, when we use gravitational acceleration. इन प्लस प्लस में लेंगे हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो ये जो सारी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के अंदर अप से डाउन वाली कंडीशंस वाली है अगर कोई वस्तु इस एनी ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम डाउन टू अप डायरेक्शन कोई भी वस्तु को हम नीचे से अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो ग्रेविटी के विपरीत दिशा में चल रही है ग्रेविटी नीचे की होती है ग्रेविटेशन अर्थ का किधर होता है डाउन डायरेक्शन में लेकिन वस्तु किधर मूवमेंट कर रही है अप कंडीशन में इस कंडीशन में g बराबर किस में होगा माइनस में होगा तो आपकी इक्वेशंस क्या बन जाएगी v इक्वल u ये g माइनस पर रखेंगे तो ये भी माइनस माइनस gt ये फर्स्ट और s इक्वल ut ये माइनस होते हैं या माइनस जी टी का स्क्वायर दूसरी इक्वेशन एंड तीसरी इक्वेशन जी माइनस होते हैं ना माइनस टू जी एस इक्वल वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर देयर आर एस बराबर डिस्टेंस है और अगर कोई वस्तु अपवार्ड या डाउनवार्ड मूवमेंट कर रही है तो अपवार्ड कंडीशन में उसकी हम क्या लेते हैं उसको हाइट ले लेते हैं तो s इसके बराबर है s इक्वल h यानी कि ये इसको अपन हाइट भी ले सकते हैं